यसुमसी दे जलाली ते पाक नाम च तुहानू मेरे वालों सलाम होवे। ते अज फिर तुहानू असी अपने यूट्यूब चैनल दे विच खुशामदी दाने आ। ते खुदावंद दा शुक्र है कि अज दा दिन भी बहुत अच्छा गुजरिया, खुदावंद दी खिदमत कीती, ते अज दी दुआइया इबादत जिहड़ी बुद्ध नूं असी रोज़ां दे विच करने आ उह वी कीती। तो खुदावंद दा शुक्र है कि खुदा ने सारे वक्त रहनुमाई की। तो अज फिर असी रोज़मर्रा की तरह अपने यूट्यूब चैनल दे विच तुहानूं खुदा दे कलाम की एक नवी गल दसांगे, ताकि उस नवी गल नूं सुन के तुसीं बरकत पाओ, तो जिहड़ा खुदा दे कलाम का हुक्म है उहदे ते अमल करके खुदा दे मौजज़ात ते बरकतां नूं हासिल करो। अज की गल असी रोमियो दे खत दे 12वें बाब दे मुताबिक करांगे कि खुदावन सानू की आंदा है। पाक कलाम च रोमियो दा खत उहदा 12वां बाब पहली आयत ते दूसरी आयत पढ़ांगे। बहुत प्यारी आयत है जिहड़ी साडी जिंदगी दे नाल तलक रखदी है, ते सानू खुदावन दे कलाम वल लिआउंदी है कि असां जिंदगी च की करना है। आओ पढ़िए 12वें बाब की पहली दो आयतां पढ़ांगे। बस ए भाइयो, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। आज भी आयत जिहड़ी साडे को बाइबल है नवा एडिशन है उहदे विच इस आयत का एक अनुमान रखा गया है। वह अनुमान है खुदा दी इबादत च वक्त गुजारना, यानी खुदा दी इबादत में उम्र गुजारना। खुदा दी इबादत दे बारे खुदा का कलाम कहता है। बहुत प्यारी आयत है, इहदे विच लिखा है अपने बदन की कुरबानी खुदा दे हजूर पेश करना। जिहड़ा साडा बदन है ना, जिहड़ा खून गोश्त हड्डियां का मजमूआ है, इस बदन दे नाल खुदा का जलाल जाहिर करना और खुदा की इबादत करना, तो इस बदन को कुरबानी के तौर पर खुदा दे हजूर पेश करना। इसलिए पाक कलाम दसदा है कि बदन की कुरबानी ही जिहड़ी है ओ खुदा नूं पसंद है, ते इहो ही मुकम्मल इबादत है। हुण खुदा साडे बदन की कुरबानी चाहता जे चाहता है कि असी अपने बदन दे वसीले खुदा दा जलाल जाहिर करिए। ये बदन जिहड़ा असी लई फिरदे हां, ये बदन जिदे विच रूह है और ये हड्डियां गोश्त ते खून दे नाल ये चलदा है, ये सारा ही बदन खुदा दे हजूर आए ते कुर्बानी पेश करे। हम थोड़ा जिहा नेड़े गल नूं ला लईए, वो ये है कि ये बदन दा सारा हिस्सा सब कुछ खून गोश्त हड्डियां रूह जान सारी ही जिंदा खुदा दे हजूर कुर्बान होवे ते खुदा दे जलाल नज़र करे। आओ नवे आदरा में वेख लीए कि बदन दे बारे यीशु मसीह सानू की तालीम देंदा है कि बदन दे विच जिन्ना कुछ मौजूद है वह सारा ही खुदा चाहता है। खुदा दे पाक कलाम च लिखा है, तू अपने सारे दिल, यानी दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल
दिमाग दे विचों जिहड़ी इह सोच के कढ़ने आ अपनी सारी अकल दे नाल खुदावंद अपने खुदा नाल मुहब्बत करनी है। तू अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी ताकत अपनी सारी अकल दे नाल खुदा दे नाल मुहब्बत करनी है। और खुदा दी मुहब्बत इस बदन दे वसीले किंज होनी है, किंज लोग कहणगे कि बदन जिहड़ा खुदा दे जलाल दे लई चलदा है और खुदा दे हजूर कुर्बान हुंदा है। पहली गल के अगर खुदा दे जलाल लिए बदन इस्तेमाल होना है तो अगली आयत दस दिए कि सानू दुनिया दे हम शकल नहीं बनना, खुदा तो हिकमत दानश दनाई पा के अकल नहीं हो जांदे नाल अपनी सूरत बदलनी है, अपनी जबान दी सख्ती अपनी जबान दा गलत इस्तेमाल अपनी सोच दा गलत इस्तेमाल अपने ख्याल दा गलत इस्तेमाल ओ बदलना है। ते खुदा दे कलाम च लिखा है कि खुदा दी नेक ते पसंदीदा मर्जी नू जाहिर करना है। खुदा दी नेक ते पसंदीदा मर्जी की है? खुदा दी नेक ते पसंदीदा मर्जी ये है, ए बदन जिहड़ा खून गोश्त हड्डियां दा मजमूआ है, ए बदन जिन्नू असी लई फिरदे हां, ए बदन सिर्फ खुदा दे जलाल ते खुदा दी मर्जी लई इस्तेमाल होवे। ते कोई शख्स कह सकदा है, दस सकदा है कि ये बदन ए जलाल लई किंज इस्तेमाल हो सकदा है? ये बदन खुदा दी बंदगी खुदा दे कम्मा ते खुदा दे कलाम दे मुताबिक इंसान जिहड़े साडे हगले जमीन ते मौजूद हैं उन्हां दी भलाई तरक्की आस्ते इस्तेमाल होना चाहीदा है। अज वेखिए इस बदन दे वसीले साडे जिदों दे असी पैदा होए हाँ जिदों दे असी बादशाहूर होए हाँ इस बदन दे वसीले असां अपने इस बदन दे जिहड़े गोडे ने ओह टेके ने, असी इस जबान दे नाल खुदा दी तमजीद कीती है, गीत गाए ने, इस जबान दे नाल असी हाथ जोड़ के खुदा नू पुकारिया है, ओदी जलाली कुदरत नू जाहिर कीता है। इस बदन दे वसीले असां इस मथे नू खुदा दे हजूर सिजदे लई टेकिया है। मैनू पता कई बंदे जिंदगी गुजार जांदे ने सिजदे दी दुआ करदे ही नहीं, पूरी जिंदगी गुजार जांदे ने गोडे टेकदे ही नहीं, पूरी जिंदगी गुजार जांदे ने जो खुदा ने दिता है वो खुद खा के हजम करके ते जिंदगी गुजार जांदे ने, लेकिन जो खुदा ने दिता है वो खुदा दे हजूर उहदे विचों कदी पेश ही नहीं कीता। ते याद रखिए जो साडे को है असी खुदा दे हजूर उहदी अंजील दी बशारत कलीसिया दी तरक्की लई ज्यादा तो ज्यादा पेश करिए। और खुदा दे कलाम च लिखिया है कि खुदा खुशी नू देण वाले नू अजीज रखदा है, जिहड़ा खुशी नाल खुदा दी खिदमत करदा है अंजील दी बशारत दा मददगार हुंदा है, खुदा उहनू बड़ा करीबी समझदा है। ते कई वारी ते असी कोई पासवान आ जाए ना या विजिट दे दौरान में होर होर ही गल्लां सोचने ते जे चर्च कमेटियां बनदियां ने ते ओ पासवान दी जदों गल आएगी ना उदों आके बड़ा परेशान होणगे ते एक दिन उहनूं मशवरा ही देणगे भी इन्ना नहीं देना चाहिए, पासवान दी इन्नी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कई तो इस गल नूं सोच के कि पासवान नूं देण लगे आ उहदी जरूरत पूरी करन लगे आ मुश्किल हो जाती है। असी हदियां चंदिया दे विच खुदा दे कम चर्च दी तमीर जिहड़े चर्च दे विच कम हुंदे ने उहनूं देण लगे आ वी हथ रोक लैंदे आ। ते याद रखिए इंज कम नहीं जे चलना, ए बदन ने
जे इस हाथ का इस्तेमाल देने लिए करना है तो बरकत पानी है। यह बदन नूं असी खुदा दे हजूर सीधा करन, दुआ करन, इबादत करन, इंसान जिहड़े सामने हैं, जिहड़े जरूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, उन्हां दी मदद करन लई भी अपने बदन का इस्तेमाल करिए। सिजदा करिए, गीत सोने गाइए, कम करिए। कभी चर्च दे विच जाके जिहड़ी सफाई सफुई होनी हुंदी है उहदे विच भी मदद करिए। खुदा वेंदा है और वेख के उहदे वसीले सानूं बरकत दिंदा है। आओ इस बदन दे वसीले जिहड़ा खाकी है, खाक हो जाना है, ये बदन दे वसीले जिहड़ा मिट्टी तो लिया गया है, बनाया गया है, इन्हें टटना है, इहदा खेमे दा घर तुहाडा गिराया जाना है। जिन्नी देर जिंदा वां इस बदन दे वसीले खुदा दा जलाल जाहिर करिए, ते दुनिया ते दस दईए भी असी दुनियादार नहीं बल्कि खुदा ने सानू भेजिया, खुदा दे लोक हाँ, ते असी खुदा दे मर्जी दे मुताबिक काम करना है। आओ पौलुस रसूल दा ये पैगाम जिहड़ा खुदा लों उन्हूं दिता गया है रोम दी कलीसिया लई, अज तुहाडे लई है कि अपने बदन खुदा दे लई कुरबान करोगे, ते जदों बदन खुदा दे जलाल लई, खुदा दी मुहब्बत लई इस्तेमाल होएगा, ते पाक कलाम च लिखा है कि वह खुदा दे हजूर कुरबानी होएगी, वह कुरबानी है। और उस कुरबानी दे वसीले पाक कलाम च लिखा है इहो ही तुहाडी माकूल इबादत है, जिहड़ी सही मुकम्मल इबादत यही है कि असी अपने बदन दे वसीले टाइम कढ़ीए, गूटे टेकीए, सीधा करिए, गीत गाइए और अंजील दी बिशारत लई अपनी कमाई चों कुछ पेश करिए और फिर खुदावंद दे जलाल नूं जाहिर करिए। ते दुनिया की कोई चीज़ तुहाडे अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, झूठ, कड़ल, बुरियां गल्लां, बुरे मनसूबे और एक दूजे नूं गराना, डेगना, खुदा दे खादमा दी मुखालफत, खुदा दे खादमा दे उत्ते बुतलान, इल्ज़ाम लाना और कई तरह दे खुदा दे खादमा ते इल्ज़ाम ला के असी गुनाह करदे हां। जबान दा भी सही इस्तेमाल करिए, एक दूजे दी इज्जत करिए, एक दूजे नूं तरक्की देण लई मनसूबा बनाइए। ये बदन है, खुदा साडे बदनां नूं वेंदा है। असीं दुनिया ते की करदे हां, इहदा इम्तिहान होना है, इहदी अदालत होनी है। इहदे बारे लिखिआ है कि खुदा दी अदालत होना जरूर है, हर एक काम दा बदला मिलेगा, भावें तुसां बुरे कीते ने उहदी सज़ा मिलेगी, चंगे कीते ने ते उहदा अजर मिलेगा, इहदी अदालत होनी है। आओ अपने बदन नूं खुदा दे जलाल लई इस्तेमाल करिए, जिहड़ी मुकम्मल इबादत है, जिहड़ी खुदा नूं पसंदीदा है। खुदा नूं तुहानूं इंज करन दी तौफीक दे। बहुत शुक्रिया।